जय हिंद दोस्तों। इतना रंग तो गिरगिट नहीं बदलता जितना कोरोना बदल रहा है भाई साहब। एक अलग अलग तरह का फ्लेवर निकाल रहा है, कई सारे वेरिएंट लेकर आ गया है। मतलब इतना फ्लेवर तो आइसक्रीम के नहीं मिलेंगे जितना कोरोना के मिलते हैं। मतलब इतना जीनियस तरह का वायरस मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब अगर इसको ना UPPCS के एग्जाम में बैठा दिया जाए तो ससुरा 2 मिनट में टॉप कर देगा। मतलब क्या कहा जाए। अभी एक तरह का नया तरह का स्ट्रेन आ गया है इसमें यूके में, लंदन में पाया गया है, जो कि बहुत ही इन्फेक्शियस बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है इसके पीछे रीजन है म्यूटेंट। तो म्यूटेंट्स को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा ये एक्चुअल में डीएनए आरएनए क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारा मानव का शरीर होता है ना, वो सेल से मिलकर बना होता है। सेल के अंदर जो उसका ब्रेन होता है ना, जैसे हमारा जो ब्रेन है वो यहाँ मस्तिष्क में होता है, वैसे सेल का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, वो सब जगह सब चीज़ों को मैनेज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर, उन सबको मैनेज करता है। तो उस न्यूक्लियस में ना क्रोमोजोम होता है। जब उस क्रोमोजोम को आप थोड़ा सा खींचोगे ना, तो वो बनेगा डीएनए। ठीक है, और उस डीएनए को फर्दर आप और खींचोगे तो वो बनेगा जीन्स। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी धीमे धीमे समझ में आएगा। सबसे पहले समझते हैं डीएनए क्या होता है। देखिए, इंसान का बच्चा इंसान ही हो, शेर पैदा ना हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं डीएनए। डीएनए ही पूरी पूरी तरह से डिसाइड करता है कि हमको 5 उंगली देनी है, 2 कान देना है, 1 नाक देना है, 2 आंखें देनी है। ये सारे पार्ट्स को वही डिसाइड करता है। नहीं तो पता चला कि डिलीवरी हो रही है हॉस्पिटल में और पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया, बाद में मालूम पड़ा कि यार डिलीवरी में तो शेर निकल गया, सारा हॉस्पिटल खाली हो गया। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, इंसान का बच्चा इंसान ही हो, ये पूरा का पूरा जो चीज़ होती है वो डीएनए डिसाइड करता है। तो ये हर स्पीसीज़ में होती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या जो भी हो, यहाँ तक कि वायरस भी हो, उन सब में डीएनए का स्पीशीज की वजह से वो अपने आप को करती है। तो अगर ये डबल में होते हैं, डबल धागा जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, तो ये डीएनए होता है। अगर सिंगल धागे में है तो ये आरएनए होता है। जो कोरोना वायरस है इसमें जो इवोल्यूशन होता है वो आरएनए की वजह से होता है। ठीक है, इसमें सिंगल धागे की वजह से ये चलता है। अब अगर आपको डीएनए आरएनए समझ में आ गया तो आपको म्यूटेशन भी समझ में आ जाएगा। देखिए, म्यूटेशन एक तरह का सिंपली मिस्टेक होता है। जब हमारा इवोल्यूशन होता है, जब आरएनए नया जनरेट कर रहा होता है, उस टाइम पे कोई मिस्टेक हो जाए या कुछ गलती हो जाए, तो उसकी वजह से स्पीशीज में कुछ अलग बदलाव हो जाए, तो उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ के 6 उंगलियाँ होती हैं, तो जैसे किसी के 2 मुंह होते हैं, 2 गर्दन होते हैं, तो मतलब अगर किसी तरह से इवोल्यूशन में कुछ मिस्टेक हो गई तो उसको कहते हैं हम लोग म्यूटेशन। तो उसी तरह से वायरस में म्यूटेशन होता है और आपके स्पीसीज में भी म्यूटेशन होते हैं। तो ये सारे म्यूटेशन की वजह से, बदलाव की वजह से ये नए नए वेरिएंट बनाते हैं। अब जो कोरोना वायरस है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड इन्फेक्शन है, इसमें आरएनए वर्क करता है। तो जब भी आरएनए एक जगह से दूसरी जगह इवॉल्व होता है, तो उसमें कोई डिफेक्ट होता है, तो वो कोरोना एक नया वेरिएंट का रूप ले लेता है। तो वही सेम इसमें हुआ है, ये भी कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसने 17 बार अपने आप को बदला है पहले भी। अब उसके बाद जब फाइनली इसने यहाँ पे लंदन में जब अपने आप का नया वेरिएंट देखा, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने देखा कि पिछले के 60% जो केसेस जो बहुत स्पीड में आए हैं, वो उसमें ये नया वेरिएंट पाया गया है। तो उससे उन्होंने मोटा मोटी ये अनुमान लगाया है कि ये जो नया वायरस है ये 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस है पुराने वायरस, मतलब पुराने वेरिएंट से। दोस्तों, गुड न्यूज़ भी है कि बड़े बड़े रिसर्चर्स ने ये भी माना है कि बेशक ये जो नया स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, इसका नाम दिया गया है VUI 2020/12/01, मतलब जो कि एक डेट है, इसका ये जो वायरस है ये बेशक बहुत इन्फेक्शियस है पर बहुत ज़्यादा डेडली है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। और जो वैक्सीन बन चुकी है अब तक वो इसके ऊपर पूरी तरह से इफेक्टिव है। तो पहली बात तो मैं यूके की गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने टाइम पे रहते हुए लॉकडाउन भी कर दिया, टायर 4 लॉकडाउन, जो कि काफ़ी क्रिटिकल लॉकडाउन होता है। प्योरली पूरा एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही बस खुला, मतलब निकल सकते हैं आदमी। और उन्होंने टाइम रहते पूरे वर्ल्ड को सतर्क भी कर दिया। नहीं चाइना होता तो ससुरा बोलता है नहीं, कोई बीमारी नहीं है, तो ये तो हमारे फूफा को भी हुआ था, तो मतलब वो तो बता ही भी नहीं करता ससुरा, उसका तो कोई बात का भरोसा ही नहीं। और तो और उन्होंने टाइम रहते पूरे वर्ल्ड सतर्क कर दिया, और बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इंडिया, इन लोगों ने यूके में जाने वाली जितनी फ्लाइट्स है उस पर अभी बैन भी लगा दिया है। देखिए कब तक ये स्ट्रेन रहता है, और बहुत ही ज़्यादा इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अभी भी वैक्सीन इफेक्टिव है। जल्द से जल्द वैक्सीन अगर आपको मिलता है तो आप लगा सकते हैं, अभी तक ऐसा रिसर्चर्स कह रहे हैं, तो ज़्यादा कोई खतरे की बात नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।